आज हम विनायक दामोदर सावरकर के जीवन चरित्र की चर्चा करना चाहते हैं। आज एक ऐसे व्यक्तित्व का जन्मदिन है जो भारत के स्वतंत्र आंदोलन में मूर्तिमान संघर्ष का प्रतीक था, जिसका जीवन पूरी तरह से भारत माँ को आजाद कराने, आजाद भारत की भवितव्यता के लिए पीढ़ियों को तैयार करने में आहुति की तरह जलता रहा। एक ऐसे व्यक्तित्व की चर्चा करना चाहते हैं जिसने स्वतंत्र आंदोलन की लड़ाई को लड़ते हुए कुछ ऐसे कर्तृत्व किए जिससे दुनिया चमत्कृत होती है। आज हम जब सावरकर की चर्चा करना चाहते हैं तो कुछ चीजों का स्मरण करना पड़ेगा। एक ऐसे व्यक्तित्व की चर्चा करना चाहते हैं जिसको ब्रिटानी हुकूमत ने जो यातनाएं दी थी, उन यातनाओं की कल्पना मात्र से किसी भी भारतवासी के मन में सिहरन पैदा हो जाती है। एक ऐसे व्यक्तित्व को अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करना चाहते हैं जिसका नाम आते ही स्वतंत्र भारत की राजनीति में राजनेताओं का एक समूह अनजाना अकारण अनपेक्षित रूप से भयभीत हो जाता है। यहाँ कुछ चीजों की चर्चा करना चाहूंगा। 1901 वो समय है जब सावरकर ने पहली बार नासिक में ब्रिटेन को शत्रु देश घोषित किया था, शत्रु राष्ट्र घोषित किया था। महारानी विक्टोरिया की मृत्यु पर आयोजित शोक सभा में को उन्होंने का विरोध करते हुए उन्होंने कहा था कि हम क्यों शोक मनाएं, वो एक शत्रु देश की रानी है थी। सवाल खड़ा किया था, क्या भारत के किसी भी महापुरुष के मरने पर ब्रिटेन के अंदर कोई शोक सभा हुई है? एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसने एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी विक्टोरिया के मरने के बाद जो हुई थी और जिसको लेकर के भारत के अंदर सरकारी स्तर पर उत्सव मनाए जा रहे थे, जगह जगह अंग्रेज राज की चाटुकारी करने वाले लोग आयोजन कर रहे थे, उस व्यक्ति ने पोस्टर लगा करके ये घोषित किया कि गुलामी का उत्सव मत मनाओ। हम उस व्यक्तित्व की चर्चा करना चाहते हैं जिसने 1905 में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी, स्वदेशी का आंदोलन खड़ा किया था, और उस आंदोलन का परिणाम कितना था कि वो समय है जब कांग्रेस का गर्म दल नरम दल एक तरह से लगभग सामने आ गया। 7 अक्टूबर 1905 को जलाई गई विदेशी वस्त्रों की होली के विरोध में इंडियन ओपिनियन में महात्मा गांधी ने उस घटना की निंदा की। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में थे और स्वतंत्र हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है इस नारे के साथ भारत में स्वतंत्र आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित करने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने केसरी में लेख लिख करके स्वतंत्र वीर सावरकर को शिवाजी के समान बताया था। असामान्य बात थी, महाराष्ट्र में रहते हुए, पुणे में रहते हुए किसी व्यक्ति की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से करना, यह उस कालखंड की दृष्टि से या किसी भी कालखंड की दृष्टि से असाधारण घटना है। और यह असाधारण घटना को घटित करने वाला, इस असाधारण ढंग से किसी व्यक्ति के बारे में चर्चा करने वाला व्यक्ति यदि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हो तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व उस समय ही 1905 में ही कैसा रहा होगा, उसकी तेजस्विता कैसी रही होगी। ये बात अलग है कि 1905 में जिस घटना का विरोध गांधी ने इंडियन ओपिनियन में किया था, उस घटना के 16 वर्षों बाद स्वयं महात्मा गांधी ने 11 जुलाई 1921 को मुंबई के परेल में विदेशी वस्त्रों की होली जला करके स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी। वो पहले भारतवासी भी हैं जिसको स्वदेशी के आंदोलन के नाते विदेशी वस्त्रों को जलाने और स्वदेशी को स्वीकार करने के इस आंदोलन के नाते फर्ग्यूसन कॉलेज से निष्कासित होना पड़ा, किसी महाविद्यालय से निष्कासित होने वाले वो पहले व्यक्तित्व भी हैं। फर्ग्यूसन कॉलेज में उनके समर्थन में हड़ताल हुई, केसरी में उनके समर्थन में संपादकीय लिखा गया। यहीं तक बात खत्म नहीं होती है। छात्रवृत्ति मिली, बैरिस्टरी की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। इंग्लैंड की पढ़ाई के दिनों उन्होंने क्या क्या किया था उसकी चर्चा तो मैं बाद में करूंगा। इंडिया हाउस किस प्रकार से दुनिया भर में भारत के आजादी के आंदोलन के लिए क्रांतिकारी आंदोलन का केंद्र बना, किस प्रकार से सावरकर भारत की आजादी के आंदोलन के सिद्धांतकार बने, इसकी चर्चा तो मैं बाद में करूंगा। लेकिन एक बात की चर्चा जरूर करना चाहूंगा कि जो 1901 में किया था वही फिर 1909 में किया। 1901 में कहा था कि वह शत्रु देश की महारानी है, इस नाते उसकी शोक सभा नहीं होनी चाहिए,
तो ये सिर्फ भावात्मक अभिव्यक्ति नहीं थी। अपनी 4 वर्षों की कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें लॉ ग्रेजुएट की उपाधि, बैरिस्टरी की उपाधि इसलिए नहीं दी गई कि उन्होंने मना कर दिया कि मैं ब्रिटिश राज के प्रति, ब्रिटिश राजा के प्रति वफादारी का शपथ पत्र नहीं भरूंगा और आजीवन उन्हें वकालत करने का अधिकार नहीं प्राप्त हुआ। ये वही कालखंड है जब भारत की आजादी के आंदोलन के संबंध में 1825 से स्थापित कांग्रेस निवेदन पत्र दे रही थी, मेमोरेंडम दे रही थी, अपने अधिवेशनों में अनुरोध कर रही थी। ब्रिटानी हुकूमत के विरुद्ध कांग्रेस की जो सबसे बड़ी लड़ाई थी वो बंगाल विभाजन के बाद की लड़ाई है। बंगाल को मत बांटो, देश को आजाद करो इसका आंदोलन, देश छोड़ करके अंग्रेज जाए इसका आंदोलन, तो उस समय कांग्रेस की कल्पना में, कांग्रेस के नेतृत्व की कल्पना में भी नहीं था। ऐसी स्थिति में इंडियन इंडिपेंडेंस वार 1857, भारत का स्वातंत्र समर 1857, इस पुस्तक को उन्होंने लिखा और भारत की आजादी 1857 से ब्रिटानी हुकूमत के खिलाफ अनवरत चल रही एक संगठित आजादी है की लड़ाई है और यह लड़ाई बदस्तूर जारी है। 1857 में भारतीयों के द्वारा किया गया संघर्ष कोई सिपाही म्यूटनी नहीं थी, राज के खिलाफ विद्रोह नहीं था, बरतानी हुकूमत और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह नहीं था, अपितु भारत की आजादी के लिए एक सशस्त्र संगठित सुनियोजित और नीति सिद्धांतों पर आधारित आजादी का यत्न था।